वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरकत हम दोबारा हाजिर हैं। साथ रहने का शुक्रिया। मेरे जो अपने SMEs के भाई हैं वो काफ़ी से ज़्यादा जो है वो अंदर से इतने ज़्यादा तपे हुए हैं कि शायद कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अंदही तौर पे इनके मुंह से शोले निकल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनके अपने जो है वकास भाई, जल्दी से अपनी गुफ्तगू को जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। देखिए, मैं बस इसमें यही कहूँगा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए अगर इन्हें कोई सही मानों में फैसले करने, तो ये फैसले खुद नहीं ले सकते। इनको एक लोगों को, वो लोग जो कि बादशाहूर टेक्नोक्रेट्स, इन्हें सामने लेके आने पड़ेंगे जो कि अपनी सनअतों का तजुर्बा रखते हैं। तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? दुनिया भर में ये होता है कि दुकानें जो हैं और मालिक जो हैं वो शाम को बंद हो जाया करते हैं। जी, अगर हुकूमत आपसे ये कहती है कि सर शाम दुकानें बंद कर दें, तो इसमें बुराई क्या है? देखें, आपको पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची को ले लें, कराची के मौसम को ले लें, कराची के लोगों का मिजाज ले लें। अभी मैं यहाँ आपकी तरफ आ रहा था, मिलेनियम मॉल पर बाखुदा वो जो नेवी हाउसिंग सोसाइटी का गेट है ना, वहाँ तक का रास्ता। तब अगर इन लोगों ने कोई शादी अटेंड करनी है, जो उस रास्ते में आके फंस गया, ये कितने बजे पहुँचेगा मैरिज हॉल? और अगर ये मेरा कस्टमर इसमें फंसा हुआ है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं और वापस चला जाएगा। मेरे साथ इस वक्त कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब लाइन पे मौजूद हैं। जी, और इकबाल मेमन साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तक सर, सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त मेरे साथ हमरा मौजूद है साइट एसोसिएशन के चेयरमैन है जनाब अब्दुल रशीद साहब, जो मैंने ताजरान सिंध कराची डिवीजन के जावेद शम साहब हैं, और ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट वकास अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिलसिला ये आपको से गुफ्तगू करने सिलसिला ये था कि आपकी सरबराई में एक मीटिंग हुई थी ताजरों की, जिसमें कि रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक दुकानें बंद करने के हवाले से एक कंसेंसस हुई थी। लेकिन उसके बाद ताजरों का ये कहना था कि जब तक कि लोड शेडिंग बंद नहीं होगी, उस वक्त तक हम दुकानें रात 8 बजे या 9 बजे बंद नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? उस वक्त कंसेंसस डेवलप हो गया था, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई दो राय नहीं है। और उस मीटिंग में यही बात डिस्कशन में आई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मीटिंग की तो यही कहा गया कि चारों सूबे इस पर अमल करवाएं और डिस्कशन करें और फिर उस पर पाबंदी करवाएं। तो चूंकि सिचुएशन शॉर्टफॉल की ये है कि अब उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन करना पड़ा था, एंड वी हैव टू अबाइड बाय दैट। तो कंसेंसस हो गया था, फिर अब ये है कि अब जो सिचुएशन इलेक्ट्रिसिटी की उसके हवाले से ये डिसीजन हुआ था, लिहाजा जो है लाजमी बात है कि जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और शॉप्स खुली होनी चाहिए, लेकिन वो भी ये समझते थे कि अब सिचुएशन इस तरह की है कि इस पर हमें अमल करना पड़ेगा। तो इस वक्त तो जो सिचुएशन है वो तो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, दो राय है नहीं। बात उनकी ठीक है कि शॉर्ट वर्क नहीं होना चाहिए और लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर सब लोग पाबंदी। देखिए सर, लोड शेडिंग तो इतने ज्यादा हो रही है कि वो दुकानदार 3-4 घंटे तो मजबूर बैठा रहता है, गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि बाहर आता नहीं है बाहर। तो कल जी मैं समझ गया, कल इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने यही बात कही थी, और उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिक के इंतजामिया से रब्ता किया, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो 12 बजे से रात के 9 बजे तक टाइमिंग हम उसको चेंज करेंगे ताकि लोड शेडिंग का जो है दौरान या इस ड्यूरेशन में ना आए, ताकि बिजनेसेस को कोई इफेक्ट ना हो। उस पर अभी तक उनकी तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन आज दोबारा उन्होंने मुझे रब्ता करके अच्छा, कहा तो, कि हम आप ये देखें सरकारी इदारों में जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वैसे ही बिजली जो है वो अफसर मौजूद है या नहीं है, कमरे की बिजली चल रही है, AC चल रहा है, तो वहाँ भी तो कुछ थोड़ा सा सख्ती करने की जरूरत है। ये किसने कहा आपको ऐसा नहीं है? मैं तो खुद भी सर कल मैं खुद भी मुख्तलिफ सरकारी इदारों में गया था, वहाँ मैंने सूरत हाल देखी, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये कि बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता देखे वो अगर इस तरह से कोई है ना किसी ऑफिस में, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ के जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको खुद इस पर अमल कराना चाहिए। तो आपने कोई हिदायत जारी की है सरकारी इदारों के लिए? हमने सरकारी इदारों के लिए मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैंने कोई हिदायत जारी नहीं की है, लेकिन अगर इस तरह से सिचुएशन है तो आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं तो मैं मुझे ये करना पड़ेगा ताकि
सेंसिटाइज हो, क्योंकि लोग सेंसिटाइज नहीं होते ना, ये जो एक नेशनल प्रॉब्लम है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इसमें जो है वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो दूसरों को भी करना चाहिए वॉलंटियरली, बजाय इसके कि कोई कहे कि आप करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जरा जावेद हम साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत है? जी मेहरबान है। वालेकुम सलाम। अच्छा मेमन साहब, एक रिक्वेस्ट थी, मैं सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स बात कर रहा हूँ आपसे। रिक्वेस्ट ये थी कि प्लीज़ इंतज़ामिया को ये बात कहें कि ताजर बाइज़्ज़त रोज़गार और महीशत को चलाने वाला होता है, उसके FIRें ना काटी जाएं, उसको आप जुर्माना कर लें कैश की मद में अगर वो किसी वजह से लेट हो जाता है 10-20 मिनट 25 मिनट। देखें एक ऐसा गोरखधंधा शुरू हो गया है कि पुलिस उठाती है और FIR की धमकी देके उससे पैसे भी लेती है और उसको बेइज्जत भी करती है। देखें ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये जो कल मेरे साथ जिन लोगों की मुलाकात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन दो एसोसिएशन रेस्टोरेंट वाले की उनसे पूछ लीजिएगा, ये टेलीविजन पे मुनासिब नहीं कि मैं बताऊं आपको जी, उनसे पूछ लीजिएगा और आपने हो सकता है कि थोड़ा सा देखा भी हो चेंजेस। जी जी, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हुई है, पूछ लीजिएगा अपने दोस्तों से। जी जी, तो ये पुलिस को कोई हिदायत देंगे कि पुलिस इतनी ज्यादा जो जी वो मैंने कहा वो पब्लिक टीवी पे आप, मैं क्या आपको बताऊं, मैं आप पूछ लीजिएगा अपने दोस्तों से, थोड़ा सा इसमें बताया गया है, पुलिस को बताया गया है कि किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को। जी मेमन साहब, मैं कह रहे हैं जो वो बेहतर हो जाएगी, आपकी आपकी राय का मैं इख्तराफ करता हूँ इसी तरह। थैंक यू सर। मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से वकास अजीम बात कर रहा हूँ। सर वो नोटिफिकेशन आज हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मैं समझता हूँ बहुत एक रिलीफ आएगी हमारे पास और बकरी तक का जो हमारा टाइम हम स्मूथली ले सकेंगे। सर एक रिक्वेस्ट उसमें ये थी कि जैसे पंजाब का आज नोटिफिकेशन डिलीवरी और टेक अवे के लिए आ गया 24 घंटे की, तो काइंडली उसको भी अगर देख लें, ये भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट थी, तो कम से कम हम थोड़ा सा। आपने मुझे नोटिफिकेशन दिया था ना आज सुबह, उसमें तो वो शायद चीज नहीं थी, देख अभी आया, शेयर करें वो अभी आया। जी जी, मुझे आप शेयर करें वो भी मैं करवा देता हूं, लेकिन आप जो मुझे कहते जाएंगे मैं करवाता जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। इकबाल मेमन साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से। और ये इकबाल मेमन साहब थे कमिश्नर कराची। बहरहाल कमिश्नर कराची जो है वो एक वो वाली कमिश्नर नई निज़ाम नहीं है जो हमने 90 दिहाई से पहले देखा था कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के बड़े पावर होते थे, वो अपने फैसले खुद करते थे, चूंकि अब ये तमाम फैसले महकमा दाखिला सिंध करता है तो इसलिए कमिश्नर कराची के इख्तियार कुछ महदूद होते हैं। बहरहाल रशीद साहब जी जनाब, आप क्या कहेंगे कि ये जो मजमुई जो सूरत हाल है, मजमुई जो सूरत हाल है सनतों की और फिर इन लोगों की जो आपके रिटेलर्स हैं, इस तमाम मजमुई सूरत हाल को अगर जमा कर लें तो आप क्या देख रहे हैं जुलाई अगस्त या उसके बाद की हालात क्या देख रहे हैं? ये लोग भी परेशान हैं, आप भी लोग भी परेशान हैं, तो क्या मतलब है? देखिए जी ऐसा तो हुकूमत की क्या पॉलिसी नजर आ रही है आपको? इसमें कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये इत्तेफाक से बिल्कुल अचानक इनकी तैयारी नहीं थी और ये आ गए, अब इनसे काम संभल नहीं रहा और इन्हें स्टेक होल्डर, आप इत्तेहादी हुकूमत की बात कर रहे हैं? अच्छा स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इनको फैसला करना चाहिए और वो फैसला ये अपना खुद ही करते हैं, और जब ज़्यादा जमातें होती हैं तो फैसला करने में भी ज़रा मुश्किलात होती हैं, हर पार्टी अपनी बात करती है तो बड़ा मुश्किल टाइम है इन्हें। नहीं मेरा ख्याल है कि 13 जमातों पर एक अब्बाजान बैठे हैं, तो जो कहते हैं वो ये करते हैं, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करते, ये कहने का मकसद ये है कि सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त एक ताजिर और सनतकार लानी बात है कि आपने 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 74 साल हो गए, इतने बड़े बड़े खानदान थे जिन्होंने आज कराची शहर को बनाया, यहाँ इंडस्ट्री कायम हुई। आप क्या समझते हैं कि 13 महीने इनके पास टाइम है, 14 महीने टाइम है, नेस्तो नाबूद करके जाएंगे या कुछ ग्रो करके जाएंगे? नहीं वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है इनके लिए, अभी तक तो कोई इनका मसला ये हल कर नहीं पा रही है और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का क्राइसिस जो चल रहा है, वो पहले तो गैस पे तो था, अब वो गैस का सर्दियों में आता था, अब इलेक्ट्रिक का मसला जो ख़राब हुआ तो गर्मी में, तो अब गर्मी और सर्दी दोनों में काम चल नहीं रहा, अब गर्मी में हमारे वर्कर आते हैं इंडस्ट्री में वो काम ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रात को सारी रात जागते हैं। तो आप लोग जनरेटर क्या इस्तेमाल करते हैं? जो अपने घरों में रहते हैं, जब वो काम के लिए अपने काम पर हमारे यहाँ आते हैं वर्कर तो वो काम नहीं कर पाते, नींद पूरी नहीं होती, नींद उनकी पूरी नहीं होती है, तो बेसिकली जो है हमारा जो काम करने का जो है वो 25-30% उसकी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। तो दूसरी बात है कि हमारे यहाँ देखिए यंग जनरेशन जो है इत्तेफाक से इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है,
उसको काम में लाना चाहिए, स्टेट की बड़ी जिम्मेदारी है। उसको ला तो रहे हैं काम पे, मतलब मोबाइल छीन रहे हैं, देखिए लोगों से पैसे छीन रहे हैं, ये भी तो काम है ना। जाहिर है यही है ना। अब अगर वो आईटी की तरफ चले जाते हैं तो $1 बिलियन का। आज आईटी के मिनिस्टर ने कहा है अमीनुल हक ने कमीशन में खड़े होकर, जो उन पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उन टैक्सेस को हटाया जाए। जी जी। तो ये तो आईटी सेक्टर पे गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कि $200 अरब होना चाहिए, तो जब उसमें टैक्स नहीं हट रहा आईटी सेक्टर पे से कहां से हो जाएगा? देखिए आईटी के ऊपर काम कहां से होगा, जो है ना लैपटॉप पे टैक्स लगा दिया, दूसरी चीजों पे लगा दिया, यूज कंप्यूटर पे लगा दिया। देखिए ना, मैं अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर के जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस में गया था, अभी तक हम जून तक $3 अरब कर सकेंगे, इसको हम जो है मतलब कि $10-15 अरब तक लेके जा सकते हैं, मगर उसके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा। अब 3 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे जो ना $15 अरब चाहिए, कैसे करेंगे? कोई तैयारी तो है नहीं, उल्टा टैक्स लगा मेरा बता दे रहा है, वो कह रहे होंगे 13 महीने में, इसलिए कि 13 महीने तक ही उनके ऊपर टाइम है। नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आसानी पे बड़े मायूस लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े मायूस लग रहे हैं। जी जी। तो फिर ये बेचारे, इनका क्या हाल होगा? जाहिर है कि ये भी हमारे साथ है, जब हमारे इंडस्ट्रियस जो कि अरबपति होता है उसका ये हाल है, तो ये तो बेचारे दुकान, आप यकीन करेंगे आप लोग रोड पे नहीं बैठे, ये लोग रोड पे बैठे। देखिए बात है कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो इनका कारोबार चलेगा, हमारी इंडस्ट्री से ही जो है ना वो पैसा जो है ना कन्वर्ट होता है छोटे लोगों में, तो वो बेचारे खरीदारी करते हैं, तो हमारी अब तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी कारोबार बंद हो गया जो इम्पोर्टेड शेयर बेचते थे। जी जी बिल्कुल, इम्पोर्टेड शेयर पे पाबंदी लगी तो वो भी बेचारी दुकानदारी बंद हो गई। जी जी। तो लेकिन मेरा तो इनको एनर्जी पे काम करना चाहिए। हमारा थर का कोयला है, 1200 मेगावाट हम बिजली बनाने जा रहे हैं, 600 स्टार्ट हो गया, 600 बजी जा रहा है, अभी $400 अरब का हमारा रिजर्व था, ये ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो है ना ये $1400-1500 अरब का हो गया है, तो हमें उसके ऊपर काम करने चाहिए। पाकिस्तान में अच्छे वसायल हैं, उसको कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एनर्जी को सबसे पहले अगर ये मतलब है कि सस्ती करेंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। जी जावेद शम साहब, देखें जी कुछ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या जो लोग अफसरान बैठे उन्होंने काम नहीं किया है। सबसे पहले तो छोटे ताजर जो लाखों की तादाद में हैं उनसे डायरेक्ट रबता नहीं है। किसका? हुकूमती सतह पे जो अफसरान बैठे हैं, वफाकी हुकूमत, FBR के लोग, जो जो वजीर तिजारत होते हैं। 2 मिनट के लिए एक बात कहूं तो, मैं नाराज नहीं है, मैं दोबारा कहूं माजरत के साथ, जी। आप लोगों की 10,000 तो एसोसिएशन है सर, क्यों नहीं होंगी? एक मिनट, होंगी, मैं कुछ मुझ पर कोई इतने लाख लोग मैं एतराज नहीं कर रहा। अब बात यह कि हुकूमत अगर बात करना चाहेगी जी तो कोई एक नुमाइंदा वफ्द होना चाहिए ना। सर मैंने आपके प्रोग्राम में ही आज से 1 साल पहले चंद लोगों के नाम लिए थे, मैं कहता हूँ सब लीडर हैं, सबकी एसोसिएशन है, टोटल 8 एसोसिएशन है, उसके बाद 9 नंबर के ऊपर या फर्स्ट नंबर के ऊपर आप रख लें कराची चैम्बर को। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री के हवाले से कराची चैम्बर का किरदार है, इस तरह फेडरेशन भी अपना काम कर रहा है। अगर फेडरेशन भी सारा डाल दे तो फिर चैम्बर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर चैम्बर ख़त्म नहीं होते तो छोटे ताजरों की एसोसिएशन भी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं ख़त्म होने की बात ही सर, नहीं कर रहा। मेरी अर्ज तो सुन लेना। हाँ। 8 लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाते 8 लोगों को? क्या उनके पास इदारों के पास नहीं है? सर हमारे पास बैठकर अगर आएंगे तो हम अरबों रुपए टैक्स मजीद उनको करवा सकते हैं। मैं आपके पास इत्तफाक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए आप एक बात मुझे बताएं, अभी मिसाल के तौर पर ये सारा गेम हुआ है, मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ जगहों से, 4 लोगों को बुलाया गया, उनसे कहा गया, ताजरों से मुजाकरात हुए, उनकी मार्केटें कितनी थी? कमिश्नर कराची की बात कर रहे हैं सर, मैं कमिश्नर कराची से भी और धारेजो साहब से भी मुलाकात हुई। धारेजो उस मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है, मुर्तजा वहाँ भी, उससे पहले एक मीटिंग और हुई थी कल की मीटिंग से पहले। सर वो कितने लोग थे, कितनी एसोसिएशन के लोग थे, उनकी कितनी वर्थ थी, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन बात ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पे मौजूद लोगों की मालूमात होनी चाहिए, और ये सब पता होता है इदारों को सर, सब इदारों को पता होता है। एक मिनट देखें, मैं आज आपको एक बात बता दूं, मेरी पसंद और उसकी पसंद से निकलना होगा। आप देखें, मैं तो बार बार कहता हूं ना, आइए यार्ड एसोसिएशन है, लाइए अपने कितनी मार्केटों के प्रेसिडेंट है, आप लेकर आए, सुदूर कितने हैं आपके, कितनी मार्केट है, कितने हजार मेंबर हैं, 12,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर लेकर बैठे हैं अंजुमन ताजरान से। ठीक है हम 3 साल में आए, लेकिन हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है क्योंकि हमने सबब में काम किया है सर, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं आप आए तो सही, जब लियाकताबाद से 97 करोड़ रुपए के टैक्स से 1 अरब 13 करोड़ रुपए आप जा सकते हो, और मलीर में 3 करोड़ रुपए से लेके 7 करोड़ रुपए के टैक्स पे जा सकते हो, हमने 12,000 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करवाया इनकम टैक्स के अंदर सर, FBR के अंदर हमने काम किया है, ठीक है। लेकिन बात ये चले, ठीक है आप जिसको बुलाते हैं बुलाएं, लेकिन उससे ये तो पूछें हल क्या है। हम हल हमारे पास है, हम आपको बोलते हैं आए हमारे पास बैठे, हम आपको लाखों लोगों के साथ
मुलाकात करा के आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको टैक्स दिलवाएंगे, लेकिन जब आप एसी कमरों में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, लोगों को रोडों पे भेज के सिर्फ फॉर्म तकसीम कराएंगे, पॉज के चक्कर में लोगों को धमकियां देंगे, कुछ भी नहीं होगा। दफ्तरों से निकलना होगा, मार्केट एसोसिएशंस के पास आएं, कराची में जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उन्हें बुलाएं, एक एसोसिएशन से सिर्फ एक आदमी को बुलाएं, पूरे मजमे को ना बुलाएं, सिर्फ एक आदमी को बुलाएं, आठ लोगों को बुलाएं, उनको बिठाएं कराची चैम्बर से, मजीद मेमन साहब अगर उसको लीड करें स्मॉल ट्रेडर्स को तो उनको बुला लें, या जुबैर भाई जिसको नॉमिनेट करें, अगर हमारे इदरीस भाई आते हैं वेलकम, वो आ जाएं हमारे साथ बैठें, सर सारे मसले हल हो जाएंगे, बात सिर्फ इतनी असल लोगों तक तो जाने दें, लोगों को इदारे वहां तक पहुंचते नहीं है, तीन लोगों को बिठा के आप कहते हैं जी हमारी एसोसिएशनों से मुलाकात हो गई, ठीक है हमने फिर भी मान लिया, हमारा मौकफ था कि जी हम 7 बजे भी बंद करने को तैयार हैं, आप जीरो लोड शेडिंग कर दें, हम 7 बजे कराची बंद करा के दिखा देंगे आपको। जी वकास भाई कुछ कह रहे थे आप? देखें एक तो उसमें जिस बात तो इनकी दुरुस्त है, इस बात को जिस मीटिंग का ये जिक्र कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ बात गुफ्तगू करने से पहले इतना बता दूं कि जावेद शम साहब मतलब कि थोड़ा सा फील कर रहे हैं, मेरा अपना जाती राय ये है कि देखें जैसे कि गवर्नमेंट बुलाती है कराची चैम्बर को, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट चला जाता है या उनका चेयरमैन चला गया, फेडरेशन से बुलाते हैं तो उनका प्रेसिडेंट चला गया या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चला गया, बात यह है कि एसोसिएशन में से अगर वो बुलाते हैं तो एसोसिएशन में से जो आपके इतने सारे एसोसिएशन में से हैं तो उनमें से जो है लोग यकीनी तौर पर गवर्नमेंट अगर बुलाएगी तो 2 से 3 अफराद को बुलाएगी जिससे मीटिंग के लिए, अब ये अगर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जाता है तो वो नाराज हो जाता है, वो जाता है तो वो नाराज हो जाता है। नहीं सर, ऐसी और मैंने व्हाट्सएप पे ये देखा, ईमानदारी वाले व्हाट्सएप पे देखा सिर्फ फोटो सेशन होता है। सर आप मुझे एक बात बताएं, 60 डिस्ट्रिक्ट में से जिन लोगों को बुलाया गया उनकी कहां कहां प्रेजेंस है आप बता दें। बहरहाल देखें मैं पूछ लेता हूं, मैं गिनवा देता हूं आपको। असल देखें मीटिंग आपके में मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं, आपके मसाइल इसीलिए हल नहीं हो रहे कि आप उन लोग, मुझे शौक नहीं है तस्वीर बनवाने का सर, आपको नहीं है ना, आपको तो नहीं है दूसरों को तो है। लेकिन मैं कहता हूँ शहर के ताजिरों को तो बचा लो खुदा के वास्ते, इनको भूखा क्यों मार रहे हो, फोटो सेशन क्या ये भी डकैती है हमारे शहर के अंदर? उसके बाद फोटो सेशन है, उसके बाद जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी वकास भाई देखें उस मीटिंग का जो पहला जुमला था हाँ। वो हमारे इज्जत में आप कमिश्नर साहब ने ही बोला था, और पहला जुमला ये था कि ऑल्दो के ये जो सारी बातें ये तय हो चुकी हैं, हम सिर्फ यहाँ बुलाया आपको इसलिए कि हम आपको आगाह कर दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिस पे सबका रिएक्शन ये था कि अगर ये तय हो गई थी तो आप मीडिया पे ही बता देते हमें क्यों बुलाया भाई यहाँ पे, तो फिर वो मुर्तजा वाफ साहब ने उस चीज़ को दूसरी तरफ लेके गए, लेकिन अल्टीमेटली वो ये फैसला कर चुके थे, जो उन्होंने मिनट्स डाले उसमें भी ये सारा फैसला जो था वो उनकी तरफ से हुआ हुआ था, और वो आपको पता है पीछे से फैसले कौन करवाता है। हमें आना चाहिए आपके प्रोग्राम जैसे टाइम मिला है ना उसके सॉल्यूशंस पे आना चाहिए, सॉल्यूशन देखें मुझे जो नज़र आता है, और हमने अपने तौर पे एसोसिएशन के तौर पे इनको ये कहा भी कि आप हमें ये इनकरेज करें कि अगर हम अपने पास सोलर पैनल लगाते हैं और हम अपनी बिजली भी, जब सोलर पैनल कोई लगाएगा तो वो इसलिए लगाएगा तो उससे बिजली लेगा, वो ये तो नहीं लगाएगा, लगाएगा और नहीं चलाएगा उसका क्या जा रहा है, फ्री की बिजली, वो उसको लगाए, आप उसको इनकरेज करें, जो उसको करे आप उसको एग्जम्पशन दें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाए। बहुत सारे दुकानदार बिजली बंद करके बैठ रहे हैं जी, जी तो बिजली बंद करके अपने कारोबार को जारी रखें जी, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जनरेटर चला ले, डीजल चला ले, वो अपनी जेब से चला रहा है नहीं, वो ग्रिड पे वापस करेगा, ग्रिड पे वापस करेगा आपको, आप उसकी तरफ लेके आए ताकि एक सोल्यूशन कराची जैसे शहर में ये बड़ा आसान से सोल्यूशन है जो कि ये हुआ जा सकता है, और कराची इलेक्ट्रिक की जो मनमानी है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इसके जरिए। लेकिन बात यह कि अगर आप एक ही लाठी से सबको हाँकेंगे, ऐसे लोग भी यहाँ शहर में मौजूद हैं रेस्टोरेंट जिन्होंने 50 kVA के भी सेटअप डाले हैं सोलर के, लेकिन उनकी भी, उन्हें भी इतने ही बजे बंद करना है। अच्छा उसके बाद देखें आपको पाकिस्तान का हल, देखें हल अगर निकालना है तो आपको टैक्स नेट बढ़ाना होगा। टैक्स नेट में मैं आपको सिर्फ अपने रेस्टोरेंट्स का बता दूं कि टोटल पाकिस्तान से अगर आप रेस्टोरेंट उठा के देख लेते हैं तो 1000 रेस्टोरेंट भी नहीं है जो कि टैक्स रजिस्टर्ड है, 1,00,000 से ज्यादा नंबर दें क्यों नहीं है, क्यों नहीं करते हैं, ये खुद नहीं करते। एसआरबी अभी आ रहा है पॉइंट ऑफ सेल लेके, आप एसआरबी का डेटा उठा के देख लें, 552 करंट एक्टिव उनके पास वो टैक्स रजिस्टर्ड है, और उसी को कह रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल लगाओ, भाई जो नए लोग हैं उनसे क्यों नहीं शुरू करते, उनसे क्यों नहीं शुरू करते, और क्या ये कराची रेवेन्यू बोर्ड है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, केआरबी रख दो उसका नाम जी। बिल्कुल मैं खत्म करने में, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि एक जुमले में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक जुमले में, सबको मिल बैठ के तमाम मुआशी मैनेजर जो है हमारे उनको बैठ के फैसला करना चाहिए। जी जावेद भाई, सर डॉलर पे पाबंदी 6 माह के लिए, नंबर 2 आप ताजिरों से टैक्स लेना चाहते हैं उनके साथ बैठें, बैठ के वापस ले, बिल्कुल नहीं ज्यादा ले लेंगे, वकास सही कह रहे हैं कि जो पहले गन्ने की मशीन में आया हुआ आप उसको दोबारा मिला मिला के उसको डाल रहे हैं। देखें एसएमई को प्रमोट करना पड़ेगा, एसएमई आपकी बैकबोन है। ओके थैंक यू।
تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کے آئے. ناظرین بات یہ ہے کہ بہرحال یہ گفتگو تو ہم ساری رات بیٹھے رہے ہیں تو ختم نہیں ہوگی, لیکن بہرحال حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے مسائل مشکلات مصائب کو درست کریں, اس لیے کہ ٹیکس آپ ان سے ہی لیتے ہیں اور کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کے اندر. ان کے مسائل مشکلات کو آپ نے حل کرنا ہے. بلال اسلم کی اجازت دیجیے, ان شاء اللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ.